सो हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। धान पीटते पीटते फ्रेंड मेरा तबीयत ख़राब हो गया है। आज धान नहीं पीट रहा हूँ, रात से ही तबीयत ख़राब है। अभी दवा लेने गया था, दवा खा के लेटा हूँ बिस्तर पर, आप सब देख सकते हैं गाइस, इसीलिए अभी तक वीडियो नहीं बना पाया हूँ आज। और मैं आप सबको दिखा रहा हूँ कि मेरा तबीयत ख़राब है, आज वीडियो बना के आप सबको दिखा रहा हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, इसी वजह से आज मैं अपना धान भी नहीं पीट पाया हूँ। आज फ़ोन करके आदमी को बुला लिया हूँ, आदमी पीट रहे हैं, मजदूरी वाले आए हैं वही पीट रहे हैं, आज मैं नहीं पीट रहा हूँ गाइस, इसीलिए वीडियो नहीं बनाया। नहीं तो मैं जितने दिन तक धान पीट रहा था उतने दिन से मैं आप सबको वीडियो बना के दिखाया। आप सब ने बहुत ज़्यादा प्यार दुलार दिया मेरे वीडियो को, तहे दिल से आप सबका धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दुलार दिया, बहुत ज़्यादा प्यार दुलार दिया गाइस, मेरा दिल खुश है। ऐसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। अब देखिए मेरा तबीयत ख़राब था इसीलिए मैं धान नहीं पीट पाया हूँ आज, और मैं बिस्तर पे लेटा हूँ आज, रात से ही मेरा तबीयत ख़राब है। तो फ्रेंड मैं एक न्यूज़ आप सबको बता रहा हूँ, तो फ्रेंड मैं आप सबको एक न्यूज़ बता रहा हूँ, जो आरती एक है आरती, उसके बाद जो उसका हस्बैंड मार दिया गया था वो शादी कर ली है, बताइए ये सही है? जब उसका प्रेमी मारा गया था गाइस, तो वो बोल रही थी मैं कभी शादी नहीं करूंगी, आजीवन मैं ऐसे ही रहूंगी। तो उन्होंने पता नहीं क्या सोचा अपने मन में, आरती ने क्या सोचा, वो जो है सोनू से शादी कर ली है। आप सब बताइए, ओ सॉरी साई, शायद गलती से मैं सोनू बोल दिया, उनका नाम मनु है गाइस, मनु है उसका नाम। और बताइए सही है? जब उसका प्रेमी मारा गया था तो वो सबके सामने बोल रही थी कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी, ऐसे ही रहूंगी, उनके याद में मैं जीवन पूरा बिता दूंगी, लेकिन वो अपने बात पर नहीं खड़ी हुई, वो शादी कर ली। तो फ्रेंड आप सब बताइए क्या वो सही की है? आप सब देखिए जाके वीडियो को, वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, आरती और मनु जो है शादी कर लिए हैं। बताइए क्या है सही है गाइस? सो फ्रेंड ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके पास जो है मीडिया वाले आए हुए हैं, यही सवाल कर रहे हैं कि आपने जब वादा किया था कि मैं आजीवन ऐसे ही रहूंगी, तो आरती को शादी नहीं करना चाहिए था। मीडिया वाले जवाब पूछ रहे हैं कि बताइए आपने क्यों ऐसा शादी क्यों कर लिया शादी, तो वो बोल रही है कि क्या करूं मैं आजीवन विधवा बन के रहूं, कौन मेरा देखेगा पूरा जीवन, ऐसे कैसे अकेले गुजारूंगी। वो भी बात सही है, बोल रही थी कि मैं उस समय सदमे में थी, मेरे मुंह से जो निकला वो मैं बोल दी, लेकिन अब सब गांव देश वाले बोल रहे हैं कि मेरे ससुर जी को बोल रहे थे कि घर में ऐसे कुंवारी लड़की नहीं रखना चाहिए, तुम अपने बड़े बेटे मनु से इनका शादी कर दो। तो इसी मजबूरी से वो अपना वादा तोड़ कर जो है मनु से शादी कर ली।
तो फ्रेंड बताइए ये सही की है कि नहीं सही की है, कमेंट में ज़रूर बताना। बोल रही थी कि पूरा आजीवन विधवा बन के गुजारूँ ये सही रहेगा, मेरा जीवन कैसे चलेगा, अकेले कैसे मैं अपना जीवन बिताऊंगी, कोई ना कोई साथ तो चाहिए। इसी वजह से वो आरती ने मनु के साथ शादी कर लिया। तो फ्रेंड ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो जो मीडिया वालों के सामने वो पहले बात की थी वही उसी बात पर उसको रहना चाहिए था, जबकि उसके साथ सब लोग खड़े हैं, वो कहाँ अकेली है। गाइस आप सब जानते हैं कि उसका सपोर्ट पूरा दुनिया कर रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश जो है उसका सपोर्ट कर रहा है, बहुत दूर दूर से सभी लोग आए थे। तो फ्रेंड उसका सपोर्ट सभी लोग कर रहे हैं, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो है, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री सभी लोग उसके पास पहुंचे थे शोक जताने के लिए, और उसको सांत्वना भी दिए थे कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो। एक एक भाई साहब हैं, उनका नाम हमें नहीं पता है, उन्होंने उसका चैनल भी बना दिया था, यूट्यूब चैनल, और वो ब्लॉग वीडियो बना के डालती थी, अच्छा खासा व्यूज भी आता था, ऐसी बात नहीं है गाइस। तो उसका जीवन तो हमारे ख्याल से तो ऐसे बीत जाता है, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी नहीं है आज के डेट में, उसके पास जो है उसका खुद का चैनल है और सब लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ उसकी मदद करते हैं, आए दिन उसके वीडियो बनाते हैं, आए दिन उसका मदद करते हैं, तो वो अकेली कहाँ है, हम लोग उसके साथ हैं, सब पूरा दुनिया उसके साथ है, तो वो अकेली कहाँ है। उसको ये फैसला नहीं लेना चाहिए था, वो शादी करके बहुत गलत की है, क्योंकि वो जो उसका प्रेमी था वो बेचारा मारा गया, उसका तो जीवन पूरा ख़त्म हो गया। तो कैसे गाइस, बहुत सारी विधवा हैं जो अपना जीवन बिता रही हैं और गरीब परिवार से रहती हैं वो भी बिताती हैं, तो एक ऐसे नहीं बिता सकती थी, आरती को बिताना चाहिए था ऐसे ही अकेले ही, उसके याद में जो है अपने प्रेमी के याद में उसको पूरा जीवन भर ऐसे रहना चाहिए था, यही सही था। मीडिया वाले यही जवाब मांग रहे हैं, मीडिया वाले बोल रहे हैं गाइस कि आप जवाब दो मुझको, आपने जब वादा किया था, सबसे वादा किया था कि मैं दोबारा से शादी नहीं करूंगी, मैं ऐसे ही रह जाऊंगी, उनकी मतलब शोक में मैं पूरी जीवन बिता दूंगी, तो फिर उसने ऐसा कदम क्यों बढ़ाया। मीडिया वाले जवाब मांग रहे हैं गाइस, आप सब बताइए ये सब सही है क्या। वो पहले कुछ बोलती थी, अब जो है मनु से शादी कर ली है, तो इसीलिए मीडिया जवाब मांग रहा है, तो उसको जवाब देना चाहिए ना, क्या जवाब देगी, अब शादी कर ली है, अब क्या जवाब देगी। वो सब पूरा अभी 3 महीने हुआ है, 3 महीने में सब कुछ भूल गई, बताइए ये सही है, 3 महीने में इतना जल्दी कैसे भूल सकता है आदमी। अभी तो और छोटू बेचारा जो है मारा गया, इतना बेरहमी से जो मारा गया, उसका मार दिया गया, तो उसके आत्मा को शांति भी अभी नहीं मिली होगी। आप लोग जान रहे हैं छोटू और आरती के बीच जो था प्रेम जो था वो इतना गहरा था कि जो है इसी वजह से छोटू बेचारा मार दिया गया, उसको मार दिया गया है बुला कर घर में, इसी वजह से। तो वो बोल रही थी आरती, बोली कि मैं जो है आजीवन छोटू के शोक में रहूंगी, शादी नहीं करूंगी, अकेले ही पूरा जीवन बिता लूंगी। उन्होंने ऐसा ऐसा जो है कदम उठा लिया, गलत कदम उठा लिया, तो इसका जवाब तो मीडिया वाले मांगेंगे ही, आप सब बताइए मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे। इसीलिए जो है मीडिया वाले जवाब मांग रहे हैं, आपने ऐसा कदम क्यों उठाया, जब छोटू बेचारा मारा गया
तो आपने ऐसा बोला था कि मैं कुछ भी नहीं करूंगी, अभी आपने शादी कर लिया मनु के साथ। मीडिया वाले क्या करें भाई, मीडिया वाले पहुंचे हैं, सब लोग उनको घेरे हैं, उनका घर। आप जवाब दो, ऐसा क्यों किए हो? अच्छे अच्छे जो है सपोर्ट करने वाले जो सपोर्ट किए हैं, उस समय तो ये बोल रही थी कि मैं शादी नहीं करूंगी, आजीवन ऐसे ही बिताऊंगी छोटू की याद में। अब भाई छोटू का याद कहाँ गया? छोटू का याद इतना जल्दी 3 महीने में क्यों भूल गई? 3 महीने में ही उनका याद भूल कर शादी कर ली? अरे रुक जाती ये 2-4 साल, 10 साल, 2-4 साल, 3 साल, 2 साल, ऐसे रुक जाती अगर नहीं जीवन बीत रहा था तो कर लेती। अभी 3 महीना हुआ है गाइस, 3 महीने में जो है ये अपना फैसला बदल दी। तो बताइए सही की है, मीडिया वाले क्यों नहीं उसका इंटरव्यू लेंगे? बताइए, इंटरव्यू देते समय जो है झपट पड़ रही है मीडिया के वाले के ऊपर, है वो गुस्सा कर रही है। अब बताओ, पहले वही मीडिया वाले सपोर्ट किए थे, सब लोग उसके अपराधी को पकड़वाए, मरवाए, जेल भेजे, और उसके बाद उसी मीडिया वाले के ऊपर है वो कर रही है, ये सही है? बताइए, इतना तेवर। मैं कल उसका वीडियो देखा, फिर मैं बोला, मैं अपने मन में सोचा कि देखो ऐसा ज़माना आ गया है, जब बुरा दिन था, जब छोटू का डेथ हुआ था तो सब लोग शोक जता रहे थे, ये भी शोक जता रही थी, और उसके बाद आज इसका मनु से शादी हो गया है तो दूसरा जीवन शुरू कर ली है, जो है सब कुछ भूल गई है, इतना जल्दी भूल गई। अभी छोटू के आत्मा को शांति मिला है कि नहीं मिला है? अभी सब लोग शोक में है, पूरा दुनिया शोक में है कि ऐसा मैटर, इतना तगड़ा मैटर हो गया, उसके बाद जो है कि ये ऐसा कर दी, शादी कर ली, वो कर ली, दुनिया भर का अंचा पंचा। ऐसे जो है गाइस गलत बात है, बहुत बहुत गलत बात है। आप सब बताना ज़रूर कमेंट करके, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। तो मेरा तो तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी जो है गुस्सा आ रहा है, गुस्सा की वजह से बोल रहा हूँ ये सब, क्योंकि उन्होंने गलत किया ना, आरती ने गलत किया। अभी इतना जल्दी शादी नहीं करना चाहिए था, करना ही था तो कुछ दिन रुक के करती ना, इतनी भी क्या जल्दी थी, कुछ दिन रुक जाती कर लेती। मीडिया वाले बेचारे परेशान हैं, सब परेशान, पब्लिक पब्लिक परेशान। तो गाइस जो है वीडियो बन गया है, अभी इस मैटर पे, इस बारे में आप सब अपना राय देना, अपना कमेंट देना ज़रूर से ज़रूर। अभी मेरा समय हो रहा है दवा खाने का, मेरा तबीयत बहुत ख़राब है गाइस, रात से ही मैं अपना धान नहीं पीट पाया हूँ, अभी वो आदमी लगाया हूँ वो पीट रहे हैं, अभी खाना खाना है मुझे, दवा खाना है, मेरा समय हो रहा है। तो मैं सोचा कि ये मेरे मन में सवाल था कि ये वीडियो कब से कब बनाऊं, तो मैं ऐसे लेटा था, मेरे मन में विचार आया कि मैं अब वीडियो इसको बनाऊंगा, ज़रूर से ज़रूर बनाऊंगा, इसीलिए जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप सब अपना राय हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर देना, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, राकेश पंडित ऑफिशियल चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार दीजिए गाइस, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप सब देख रहे हैं, शॉर्ट वीडियो बनाकर, और मैं आप सबको सोचता हूँ कि एंजॉय मिले, इंटरटेनमेंट कराने की बहुत कोशिश करता हूँ, और जो भी काम करता रहता हूँ, वीडियो बनाता रहता हूँ। आप सब देखिए, और चैनल को, राकेश पंडित ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। बहुत जल्द मैं आप सबके बीच गाना पेश करने वाला हूँ, और मैं संगीत भी सीखा हूँ, गाना भी गाता हूँ, मेरा एक चैनल और है उस पे मैं अपना सॉन्ग डालता हूँ, मैं दूसरे वीडियो में जो है उसका लिंक दे दूँगा, आप सब जाना और प्यार दुलार देना, गाने को सुनना, इसमें भी जो है गाना डाला हूँ, शॉर्ट वीडियो पर है, लॉन्ग वीडियो पर भी है, गाना जो है गा के, साउंड माइक है,
उस पर गाता हूँ, और दूसरा चैनल जो है गाइस उस पर जो है स्टूडियो में जाके मैं बनारस वहाँ से भी अपना सॉन्ग निकालता हूँ, भोजपुरी सॉन्ग निकाला हूँ। तो मैं दूसरे वीडियो में आपको लिंक दे दूँगा। तो गाइस ठीक है, सब ठीक है, सब मस्त है, मैं स्वस्थ हो जाऊँगा बहुत जल्द, दवा खा रहा हूँ गाइस। तो ठीक है गाइस, अब मैं चल रहा हूँ, खाना खाऊँगा थोड़ा सा और दवा खाऊँगा, क्योंकि मेरा समय हो रहा है दवा खाने का। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो राकेश पंडित ऑफिशियल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो गाइस नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, पस्त रहिए दोस्तों, एंजॉय करिए।